बारा राजस्थान मांगरौल तहसील क्षेत्र के ग्राम पाडलिया से बोहत को जोड़ने वाली संपर्क सड़क मार्ग पर बाणगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। ठेकेदार द्वारा गांव वालों को बोहत आने जाने वाले के लिए बनाया गया बाईपास रोड कच्चा होने से बरसात के पानी से इतना कीचड़ हो जाता है कि किसानों के खाद बीज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हल्के वाहन कीचड़ में फंसने से या तो अन्य वाहन से टोचन करने के साथ दुपहिया वाहन नहीं निकलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण संजय गालव, सत्यनारायण गोचर, नाथुलाल मोहरा, परमानंद गालव, मुरलीधर शर्मा ने बताया कि ठेकेदार द्वारा पुलिया निर्माण कार्य की वजह से ग्रामीणों को बोहत पहुँचने में कच्चा रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन बरसात होते ही बाईपास रोड पर इतनी कीचड़ हो जाती है कि किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली दोपहिया वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं मोटरसाइकिल स्लिप होने से चालक चोटिल हो रहे हैं। अन्य वाहन से टोचन कर या ठेकेदार की जेसीबी मशीन से धक्का देकर निकाल रहे हैं। ग्रामीणों ने नदी पुलिया निर्माण कार्य, नवनिर्मित नाले की पुलिया से वाहनों को निकालने की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों को बारिश के पानी से बाईपास रोड की समस्या से मुक्ति मिल सके। ये क्या कहते हैं ठेकेदार? ठेकेदार ने बोल दिया कि अभी एक महीना लगेगा इसमें कंप्लीट करने में, अभी टूट जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 15 दिन तो हो गया इसको चालू हुए, मतलब छत डले। तो आप वो गांव वाले कच्चे रास्ते से निकलते हो? कच्चे रास्ते से निकल रहे तो परेशानी आ रही थी ना, बहुत परेशानी आती है। क्या नाम आपका? सत्यनारायण गोचर। कहाँ के रहने वाले हो? पाड़ के। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।